Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut ki pehli hi barsaat ne ट्रिपल इंजन सरकार के इस दावे को जल में डुबा दिया कि 30 जून तक शहर के सभी नालों व नालियों की तली झाड़ सफाई करा दी जाएगी। शहर के निचले इलाकों की बात छोड़िए, शहर का ऐसा कोई भी इलाका नहीं बचा जहां जलभराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना न करना पड़ा हो। चर्चा यह भी है कि नगर निगम कागजों में इनकी सफाई करा रहा है अथवा करा चुका है। लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसकी वानगी भर है आज इव्स चौराहे स्थित हरी लक्ष्मी लोक कॉम्प्लेक्स के व्यापारी नेता सुधांशु महाराज का आपे से बाहर होना। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि मेरठ नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने शहर को नरक बना दिया है। आज शहर में मुख्य सचिव व डीजीपी आए हुए हैं, लिहाजा जिन रास्तों से उन्हें गुजरना था वहां के गड्ढे भी बरसात होते हुए भी भर दिए गए। कुछ इस तरह जैसे इन अफसरों की कमर हिचकोले न खाए। शहर के बाशिंदे परेशानी झेलते आ रहे हैं तो झेलें। पहले देखिए शहर की प्रमुख सड़कों का हाल। आज की बरसात से एसएसपी ऑफिस भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया। अपनी समस्या के समाधान की आस लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचे फरियादियों को घुटनों तक गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा। देखिए अब आप रूबरू हो ये संयुक्त व्यापार संघ के महामंत्री सुधांशु महाराज से। इनका प्रतिष्ठान हरी लक्ष्मी लोक में है, यहाँ भीतर तक पानी भर गया तो इनका दर्द भी छलक कर बाहर आ गया। देखिए ईवी चुनाव मेरठ उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश मेरठ शहर से ऐसी विडम्बना है। यहाँ के नगर निगम के अधिकारी, बड़े बड़े नेता पार्टी का नाम डुबो रहे हैं, उन्हें डूब के मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये देखिए बताते हैं 6 करोड़ 5 करोड़ से ईवी चुराया गया, यहाँ का पूरा हाफ डे नगर निगम ने सफाई में कार्य करा, ये सीवर का पानी भर रहा है, ये रह गया कि दीवार में निकल कर आ रहा है, ये पहली बारिश है मौसम की। इन्होंने अधिकारियों के मुंह पर काला पोत दूंगा काले। ये देखिए दुकान के अंदर पूरा जब तक ये बिल्डिंग नहीं बैठेगी, ये देखिए ये पानी भर रहा है दुकान के अंदर। नगर निगम के अधिकारी व्यापारी हो रहे उठ के जागो, बाहर निकलो अपने ऑफिसों से, व्यापारी मर रहे हैं, तुम्हारी वजह से ही हमारी सीटें कम आई, अपने ऑफिसों में हराम की खा रहे हो, करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका, पूरे ऑफिस के अंदर पानी भर गया, सारा फर्नीचर खराब हो गया। नगर निगम के भ्रष्ट घूसखोर जो अधिकारी हैं जाग जाएं। पहले भी नगर निगम के अधिकारी पकड़े गए रिश्वतखोरी में, ये देखिए पानी भर रहा है दीवारों में से निकल कर आ रहा पानी। ये स्थिति ईवी चुनाव रेशमी लोक की है, जो कि सबसे पुरानी बिल्डिंग है, उसके सीओ सारे ब्लॉक हैं, नगर निगम के अधिकारी आके नहीं जागते। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है वो जाग जाए, कल को मैं सड़क पर बैठूंगा, एक भी अधिकारी को यहां से निकलने नहीं दूंगा। मेरी चेतावनी है खास तौर से उन अधिकारियों को जो नहीं सुन पा रहे व्यापारियों की आम जनता की। मेरा निवेदन है ईवी चुराया लोग की साफ सफाई का कार्यक्रम शुरू करा दे, नहीं तो उनका ताजा थैया कर देंगे ईवी चुराए गए व्यापारी। जय श्री राम। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।